वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आज का सवाल है इट की मेरिट लिस्ट पी की अपलोड हो गए और रिचेकिंग रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुआ है अब अगर रिचेकिंग में मार्क्स बढ़ गए तो कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा और दूसरा सवाल यह है कि रिचेिंग का रिज़ल्ट कब अपलो, अपलोड अपलोड होगा डियर एस एस टी का रिचेकिंग रिज़ल्ट के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि उसका रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट के बाद अपलोड हुआ था ईटा वाले रिज़ल्ट अपलोड नहीं करते मेरी बात तवज्जो से सुने फेसबुक पर सिर्फ यही बात आज चल रही थी मेरी बात तवज्जो से सुने कि वाले रिज़ल्ट अपलोड नहीं करते वो आपको आपका आंसर शीट और उसके आंसर कीज ईमेल करते हैं लेकिन अभी तक आपको ईमेल नहीं मिला और पीएसटी के तमाम डिवीज़न की मेरिट लिस्ट तकरीबन अपलोड हो चुकी है तो अब आप लोग का किया बनेगा डियर पहले एस के जो टेस्ट हुए थे उस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं था अब ईटा पर बहुत ज़्यादा बर्डन है तो वो ईटा का रिजल्ट तो रिचेकिंग का रिजल्ट नहीं अपलोड करते न ईटा रिच, की रिचेकिंग का जो आंसर कीज होते या आपका आंसर शीट होता है वो आपको सेंड नहीं करता अब आपका सवाल ये है कि फिर रिचेकिंग का फ़ायदा क्या है रिचेकिंग का अब सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि आप लोग ईटा ऑफिस जाकर वहाँ उनसे कह दोगे कि हमने रिचेकिंग की अप्लाई किया है हमें हम अब हमारा टेस्ट चाहिए और उसके आंसर किस चाहिए तो वो आपको देंगे ये है ईटा की रिचेकिंग का फ़ायदा एक बात दूसरी बात आप पेशावर नहीं जा सकते आप सिर्फ इसके लिए पेशावर क्यों जाओगे तो आप लोग गूगल पर जाकर ईटा वेबसाइट पर ईटा का पे नंबर मौजूद है उस पर कॉल करें वहाँ जो बंदा बेटा होता है उसका तल्लुक बनु से है बहुत ज़बरदस्त ड्यूटीफुल पर्सन है आपका कॉल अटेंड अमूमन करता है अटेंड उनसे बात करें वो डायरेक्ट ऑन स्पॉट आपको आपका रिचेकिंग रिज़ल्ट डायरेक्ट सेंड कर देगा क्योंकि वो अभी हर किसी को रिज़ल्ट सेंड नहीं कर रहा क्योंकि ईटा पर और भी बहुत ज़्यादा बार्डन है तो आपकी रिचेकिंग का सिर्फ ये फ़ायदा है कि कॉल करके आपको वो आपका टेस्ट और उसके आंसर की सेंड कर सकता है दूसरी बात वो स्टूडेंट जिन्होंने रिचेकिंग के लिए रिजल्ट अप्लाई नहीं किया है और वो भी कॉल करें तो क्या उनको मिलेगा तो डे वो डायरेक्ट वहाँ आपसे रोल नंबर पूछता है रोल नंबर सर्च करती ही उस आपका रोल नंबर उनके सामने आ जाता है अगर आपने रिचेकिंग के लिए अप्लाई किया है एक और बात अगर किसी की रिचेकिंग में मसला हो तो उनको ईमेल आ जाता है अमूमन ये है उनको ईमेल आ जाता है बाकी जिसके रिचेकिंग में कोई मसला ना हो तो उनको कोई ईमेल कोई मैसेज नहीं आता उन्होंने खुद ईटा ऑफिस जाकर या किसी को बेच कर या कॉल करके अपना ईटा टेस्ट अपना ईटा रिज़ल्ट उसके आंसर कीज मंगवाने होंगे तो अब मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई तो क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं डियर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है कि ये फाइनल और आखिरी है आपका जब तक डी ओ के ऑफ़िस में आपकी पहले इंटरव्यू हो जाती है फिर दूसरी मेरिट लिस्ट लगता है फिर तीसरा इंटरव्यू के बाद तीन मेरिट लिस्ट लगती है उस वक़्त तक आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं अगर आपके मार्क्स में कोई मसला है और ईटा वाले उसको चेंज करते हैं तो डी जो तीन मेरिट लिस्ट लगाता है उस वक़्त तक आप अपने मार्क्स ईटा वाले उसमें ऐड कर सकते हैं और आपका पोजीशन आगे बढ़ सकता है तो ये इन आंसर की इस इन क्वेश्चन की आंसर है अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिल में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग